से हाजिर हो गए हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन को लेकर के। आज का टॉपिक जो है वो आप में से किसी भाई ने क्वेरी करके पूछा है कि सर इनर क्वेरीज क्या होती है। तो इनर क्वेरी की बात करूं तो दोस्तों इनर क्वेरी भी एक तरीके की सब क्वेरी ही होती है, जो एनक्लोज होती है ब्रैकेट के अंदर, जो लिखी जाती है क्वेरी के अंदर ही। और इसमें सब क्वेरी से क्या डिफर होता है, इसमें सब क्वेरी से डिफर दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि बाहर वाली जो आउटर मेरी टेबल होती है उस आउटर टेबल के साथ लगता है इसका ज्वाइन, क्लियर। दूसरा, ये उतने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होती है जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे आउटर टेबल में होते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों इस लॉजिक को और अच्छे से समझते हैं, अपनी लैब की तरफ चलते हैं। लैब में जैसा कि आपने देखा, मैंने दो टेबल्स अपने लिए और दोनों टेबल्स के अंदर किस तरीके का डेटा है उसको मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है दोस्तों, कहां पर, अपनी एक्सेल के अंदर। एक टेबल का डेटा ये है दोस्तों और दूसरी टेबल का डेटा ये है। अगर जॉइंट्स की बात करूं तो दोस्तों जो डिपार्टमेंट नंबर है इसका जॉइंट्स मेरा इस डिपार्टमेंट टेबल की इस टेबल कॉलम के साथ है। दोस्तों रिक्वायरमेंट के साथ समझते हैं इनर क्वेरी को। किसी ने ऐसी रिक्वायरमेंट दी है कि मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे उसकी सैलरी चाहिए, बस यही चाहिए। मुझे तीन चीज चाहिए, मुझे चौथी चीज कुछ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एम्प्लॉय नेम जॉब और सैलरी के बेसिस पे एक अपनी क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दूंगा, लाइक एम्प्लॉय नेम जॉब सैलरी, बस सेलेक्ट चलाया दोस्तों डेटा आ गया। लेकिन यहीं पर क्वेरी लिखते लिखते ही किसी ने रिक्वायरमेंट चेंज कर दी, कुछ भी, देखिए रिक्वायरमेंट कभी भी चेंज हो सकती है। रिक्वायरमेंट कुछ ये हो गई कि मुझे यहां पर इसका डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट की आईडी भी चाहिए, बट ऑब्वियस है एम्प्लॉय टेबल के ऊपर खड़ा हूं तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो भी कॉलम होगा मैं इजीली लगा सकता हूं। तो मेरा क्या कॉलम और है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर मेरे डिपार्टमेंट नेम तो नहीं है बट डिपार्टमेंट की आईडी जरूर है, तो डिपार्टमेंट की आईडी भी यहां पर लगा देते हैं। ये लीजिए, ये भी लग गया, इतना चलाया। अब डिपार्टमेंट नेम की बात आती है दोस्तों, देखिए डिपार्टमेंट का नेम कैसे निकलेगा, ये आपको बट ऑब्वियस पता है कि डिपार्टमेंट का नेम 20 के अगेंस्ट मेरा किसी दूसरी टेबल के अंदर स्टोर्ड है कि भाई 20 का जो नेम है वो है रिसर्च, 30 की बात करूं तो 30 का जो है वो है सेल्स, तो ये मेरे किसी दूसरी टेबल में स्टोर्ड है। अब उसको यहां लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ ऐसा होगा कि अगर डिपार्टमेंट टेबल में 20 पास करूं और यहां से ना डिपार्टमेंट का जो नेम है ये अगर मैं यहां इस तरीके से लिख दूं, 20 के अगेंस्ट मुझे डिपार्टमेंट ये मिल गया, अगर मेरा 30 है 30 लिखूं तो मुझे ये मिल जाएगा, 40 लिखूं तो मुझे ये मिल जाएगा, 10 लिखूं तो ये मिलेगा। मतलब कुछ ऐसा करना है कि डायनेमिकली मेरा जो नंबर की जो वैल्यू है डायनेमिकली ये चेंज होनी चाहिए हर एक रिकॉर्ड के लिए। कैसे चेंज होगी, अब यहां आइए दोस्तों, देखिए जब मेरा कर्सर प्रिंट करना या सेलेक्ट करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले इस रो को सेलेक्ट करेगा, इस पे क्या है दोस्तों, इस पे है मेरी 20 मेरी डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है मुझे 20 मिल गया। सेकेंड रो इसको सिलेक्ट करेगा, 30 मिल गया। मतलब यहां पे हमें क्लिक हो रहा है ऑटोमेटिकली कि जब मेरा रो सिलेक्शन चलेगा तभी मेरे डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू डायनेमिकली चेंज हो रही है। तो बट ऑब्वियस ये चीज क्लियर हो गई यहां पर कि कहीं ना कहीं मुझे सेलेक्ट में ही इस क्वेरी को पुट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ब्रैकेट्स के अंदर नाम देना पड़ेगा इसको डिपार्टमेंट नेम और नंबर को यहां पर कॉपी करके और यहां लगा देता हूं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, अब भी सिस्टम जो है एरर दे रहा है, सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन, क्यों कर रहा है दोस्तों, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट नंबर किस टेबल का है। और यहां पर ये कुछ कंडीशन इस तरीके की लिख गई है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर मतलब वन इक्वल टू वन लिख गया है, और अगर वन इक्वल टू वन लिख के मैं ये चलाता हूं तो देखिए सारे डिपार्टमेंट यहां पर मुझे आ जाएंगे। मतलब एक रो के अगेंस्ट जब वो फर्स्ट रो की वैल्यू चरा रहा है तो उसको चार वैल्यूज मिल रही है, मतलब ये क्वेरी गलत होगी। तो सही कैसे होगी, सही होगी जब मैं दूंगा अपनी टेबल के एलियास यहां पर, लाइक डिपार्टमेंट टेबल को मैंने जेड कर दिया, जेड डॉट मेरा मैच कर जाए किससे, ए डॉट से, मतलब एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर जो है वो मेरा जेड डॉट डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो जाए। अब दोस्तों देखिए यहां पर ये वैल्यूज प्रॉपर आएंगी, मतलब हमने अब जो है ये जो 10 की बात कर रहे थे जिसकी जगह हमने एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर को पास किया, अब ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है
पहले ये 20 था, तो 20 के अगेंस्ट इसने डिपार्टमेंट क्या निकाला दोस्तों, इसने निकाला इस क्वेरी को यूज करके रिसर्च। फिर 30 पास हो गया इस जगह पर, 30 के अगेंस्ट इसने निकाल दिया दोस्तों सेल्स। फिर कहीं पे 40 पास हुआ, कहीं पे 10 पास हुआ, इस तरीके से इसने यहां पर दोस्तों डायनेमिकली डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू को यूज करके डिपार्टमेंट नेम निकाला। दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था इनर क्वेरी का। सो होपफुली दोस्तों लैब सेशन के अंदर आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरीके से इनर क्वेरीज चलती हैं, कैसे मेरा बाहर से ज्वाइन लगता है, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आ गया हो, आपका छोटा मोटा लॉजिक इसने क्लियर कर दिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, या वो बिगनर्स हैं और अभी अभी एसक्यूएल लर्न करना उन्होंने स्टार्ट किया है। साथ में मेरी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे काम को मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोस, मैं छोटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को आता है बट जिनको नहीं आता उनके लिए काफी बड़ा कंसेप्ट बन जाता है, तो उनके लिए इस तरीके की वीडियोस टाइम बाय टाइम बना सकूं। साथ में हमेशा की तरह बोलता हूं दोस्तों, मेरे साथ सीखना है, मेरे साथ बढ़ना है, मेरे साथ काम करना है, तो कोड के लिए बिल्कुल वरीड नहीं हो रहा है। मेरी हर वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन होता है और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्लॉग चैनल का लिंक होता है, जहां पर वीडियो के नाम से ही आपको व्लॉग का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप कोड डाउनलोड कर सकते हो, कोड प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते अगर मन आपका विचलित हो गया हो, नींद आ रही हो, बोरियत हो रही हो, सुस्ती आ रही हो, तो मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे व्लॉग चैनल का लिंक है दोस्तों, वहां जरूर विजिट कीजिएगा, वहां वीडियो जरूर देखिएगा, सो दैट आप थोड़ा सा रिफ्रेश फील कर पाओ, अच्छा फील कर पाओ, थोड़ा सा चेंज फील कर पाओ। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।